नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन। जिवें कि प्यारे बच्चों, तुहानूं पता है कि प्लस टू क्लास का इंग्लिश का पेपर है जिहड़ा उह 24 मार्च में कंडक्ट होने वाला है। तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए अज आप पढ़ांगे इंग्लिश ग्रैमर। चलते हैं जी अपनी इंग्लिश ग्रैमर के पहले रूल से। हाँ जी, अज का जो ग्रैमर का नियम है वह आपू एक मार्क्स जोड़ा जोड़ा है मिनीम घट्टो घट एक मार्क्स है जोड़ा वह आपको जरूर पक्का होएगा अज के इस नियम तो। हाँ जी, अज के नियम के सीखना की है, आप सीखना है जी किवें आप रिमूव कर सकते हैं TOO ते TO2 इन्हों पर रिमूव करने के जो निज़म है वह सीखने हैं। हाँ जी, ये रिमूव किवें होंगे, किवें ये निज़म चलते हैं उन्होंने आप चर्चा करते हैं। तो इस तो पहला ये वीडियो का लिंक अपने यारा दोस्तों मित्रों के शेयर कर दियो ता जो वो तो जोड़ा है इस चैनल तो लाभ प्राप्त कर सकन। हाँ जी, इस निज़म के सब तो पहला TO2 इनू रिमूव करा तो यदि जगह पर लगेगा 100। ठीक है जी, ये बायलैटरल निज़म है, जो 100 रिमूव करा TOO2 लगेगा। हाँ जी, उस तो बाद TO2 रिमूव करा तो यदि जगह पर लगेगा डैट। डैट तो बाद दो खाली स्थान आप फिल करने हैं, पहली खाली स्थान तो दूसरी खाली स्थान आप भरनी है। किमें भरनी है, ये कुछ निज़म होंगे है उन्होंने निज़मों आप फॉलो करा। सब तो पहला आप गल करते हैं भी पहली खाली स्थान है उत्थे की आएगा। ठीक है जी, ये आप देखना है जी सबजैक्ट, सबजैक्ट में चेक करना है। जे सबजैक्ट के किसी बवाई की गल की गई है, जिमें राम की गल की गई है, शाम की गल की गई है, तो फिर तो पहली खाली थान के भर के आवेंगे आप ही। ठीक है जी, जे सबजैक्ट आप किसी लड़की की चर्चा कर रहा है जिमें राधा सीता या लड़की की गल हो रही है, फिर खाली थान के पहली च भरेंगे शी। ठीक है जी, जे प्लूरल प्लूरल सबजैक्ट है जाने के बहुत वचन है। ठीक है, बहुत सारे लड़के लड़कियां मैन वोमैन पीपल की गल हो रही है तो खाली स्थान के भरेंगे आप दे। ठीक है, जे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की गल हो रही है, ठीक है यानी कि निर्जीव चीज़ों की गल हो रही है जिन्हें कोई जान नहीं होंगी, तो फिर आप भर के आवेंगे जी इट्टा। ठीक है जी, ये अपना पहली खाली थान भरन का निज़म है, ये तुम आप जो वाक लिखांगे सेंटेंस बनावांगे उदों ज़्यादा क्लीयर होएगा। दूसरी खाली थान के भरना है, ये आप पहला सेंटेंस की टाइप देखनी है, जे तो प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है जी, यदि टाइप होंगी है जी इज एम आर डू नॉट डज नॉट। ठीक है जी, हैज़ हैव इन एक चीज़ दिखती होएगी, यदा मतलब प्रेजेंट सेंटेंस है। प्रेजेंट सेंटेंस है तो आप भर के आना है दूजी खाली थान के कैन नॉट। ठीक है जी, कैन नॉट तो आप वैल नॉट भी लगा सकते हैं जी, पर ज़्यादातर आप कैन नॉट का ही जी इस्तेमाल है वह करते हैं। हाँ जी, जे पास्ट सेंटेंस है, ठीक है जी, यदि पहचान की है, ज्यादा वाजवर विचों एक दिता होएगा या दूजी फार्म दिती होएगी। ठीक है, ये अपने को पहली फार्म रहेगी वर्ती, या डिड नॉट दिता होएगा। ठीक है जी, या फिर अपने कोल हैड वर्ड दिता होएगा, तो आप की करना है दूजी खाली थान के आप कुड नॉट, कुड नॉट या वुड नॉट दोवों चो एक भर के आना, पर ज़्यादा आप वरतों की करा कुड नोट की कैन नोट की वरतों करा। ठीक है जी, ये अपना निज़म हों। हाँ जी, ये दो कैटागरी के जोड़े है अपने कोल बंदे है, ये किस तरह इनू आप करा वो देखते हैं। आप सब तो पहली कैटागरी बड़ी ईजी तो सिंपल होंगी है, ये कैटागरी ह्यूमन बींगस के नाल रिलेटड है, जिन्हें भी सेंटेंस है अपने जोड़े स्टार्ट ह्यूमन बींग ही शी दे स्टार्ट हो वो उस टाइप के आप पहले सेंटेंस की गल करते हैं। हाँ जी, देखो किमें बनेगा, पहला सेंटेंस है जी शी इज टू फैट टू रन। हाँ जी, यहाँ आंसर लिखते हैं, मैं कलर चेंज कर लेना है। हाँ जी, यहाँ आंसर की बनेगा। हाँ जी, आंसर के सब तो पहला तो आप शी एज इट इज़ ही तारना है, इज़ भी एज इट इज़ तारना है। हाँ जी, इनू रिमूव करके आप सीखे है, जो रिमूव करा की लाना है जी 100। हाँ जी, 100 लगावे, फैट भी एज इट इज़ तारना है। हाँ जी, इन TO2 रिमूव करा तो की लगावे आ चीज़ लगावे डैट लगावे। ठीक है जी, डैट तो बाद आप दो ब्लैंक्स भरनी है, उस तो बाद जो है आप रन लिखा। हाँ जी, दो ब्लैंक्स भरनी है वो आप इन्ना पहले दो जोड़े है इन्हों ध्यान से रख के सबजैक्ट तो हैल्पिंग वर्ब इन ध्यान से रख के भरना है। हाँ जी, इतने शी है तो शी भरया जाएगा, जे इतने राधा हों भी शी भरया जाना सी, गीता हों भी शी भरया जाना सी।
राम हुंदा दा ही भरिया जाना सीगा, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इज है इट मीनस ए प्रेजेंट सेंटेंस है, जो प्रेजेंट सेंटेंस है इतने इज आप अपने कोल आप की भरा जी कैन नॉट भरेंगे, सेंटेंस की भरेंगे कैन नॉट, ठीक है जी, क्लियर हो गया अपना सेंटेंस का आंसर बन गया शी इज सो फैट डैट शी कैन नॉट रन। मैंने लगता तुमने क्लियर हो गया, हूं दूजे सेंटेंस से चलते हैं अपना एक होर देखते हैं। हाँ जी ये दसिया गया ही इज टू एज्ड टू गेट अ जॉब, ठीक है जी, यदा आप आंसर देखते हैं किमें बनेगा, ठीक है जी। मैं ये कलर जरा चेंज कर लेना, लो जी रेड फिर ले लेना, ही एज इट इज़ उमें आएगा, इज भी उमें आएगा। हाँ जी इनू हटावे तो की लगेगा जी, सो लगेगा, ठीक है जी, एज एज इट इज़ आएगा, फिर इनू हटावे डैट आएगा, डैट तो बाद दो ब्लैंक्स भरा। हाँ जी दो ब्लैंक्स है ये अकॉर्डिंग भरिया जाएगियाँ, ही है तो ही का ही आ जाएगा, हीज दिता है यदा मतलब प्रेजेंट सेंटेंस है तो की भरे जाएगा कैन नॉट भरे जाएगा, ठीक है जी कैन नॉट। हाँ जी उस तो बाद गेट उमें आ जाएगा, आ जॉब भी उमें आ जाएगा, इस तरीके के जोड़ा अपना वो आंसर बनेगा, ठीक है जी। अगे अपना होर चलते हैं, क्लीयर हो जाएगा तुम्हें। हाँ जी अपन गिवन है ही वाज टू क्लेवर, ठीक है, क्लेवर टू बी डिसीव्ड। हाँ जी ये आंसर की गल करते हैं की बनेगा आंसर यदा, ही इट इज़ उमें आएगा, वाज भी उमें आएगा, यदि जगह पर हटा के अपन सीखे भी सो लगा है, यदि जगह पर हटा के सीखे अपन डैट के दो खाली स्थान भरने हैं, ठीक है जी, बाकी उमें लिखना है बी डिसीव्ड। हाँ जी पहली खाली स्थान के आप इनू देख के लगाना है, ही है तो ही लगावे इतने, जे शी है तो शी लगावे, जे बहुत सारे लड़के लड़कियां जां आदमियों की गल की गई तो दे लगावे। हाँ जी दूजी खाली थान है वो इनू वेख के लगावे, पास दिता है तो यह है जी पास्ट सेंटेंस, ठीक है जी तुम दिखा दिना मैं इतने, देखो जी पास्ट सेंटेंस आ देखो ध्यान से, वाज इतने दिता हुआ है तो आप की लगाना जी कुड नॉट लगाना है, की लगाना जी इस सेंटेंस के कुड नॉट, तो दूजी खाली थान के अपने को भरया जाएगा कुड नॉट, लो जी अपना राइट आंसर, ठीक है जी क्लियर हो रहा है। होर देखते हैं जी एक, ठीक है जी, ही इज टू वीक टू वॉक। हाँ जी ये किमें बनेगा तो आंसर वो देखते हैं जी, ही उमें आ जाएगा जी, इज भी उमें आ जाएगा, इनू रिमूव करा ये जगह पर आ जाएगा सो एज इट इज़ आ जाएगा, इनू रिमूव करा तो डैट आएगा, तो दो खाली स्थान आप भरेंगे तो उस तो बाद एज इट इज़ जो दिता वही लिखा। हाँ जी पहली खाली स्थान के इनू वेख के लगावे, ही है तो ही आएगा, इतने इज है यदा मतलब प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगेगा, जे पास्ट हों कुड नॉट लगना, क्लीयर हो गया जी। हाँ जी एक सेंटेंस होर देखते हैं, उस तो बाद अपना अगले रूल से देखांगे, जिमें देखो ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। हाँ जी आंसर देखते हैं किमें बनेगा, ही उमें आएगा एज इट इज़, इज भी उमें आएगा, इनू हटावे हटा के की आ जाएगा सो प्राउड। हाँ जी इन हटावे तो डैट लिखा तो दो खाली स्थान भरने भरेंगे, बाकी सारा एज इट इज करा लिसन टू एनीवन, ठीक है जी क्लियर हो गया। हाँ जी हम इतने करना की है, दो खाली स्थान भरने हैं, पहला खाली स्थान ये अकॉर्डिंग भरया जाएगा, ही है तो ही आ जाएगा, दूजा खाली स्थान इज इज़ है प्रेजेंट हो गया की लाने जी आप कैन नॉट, ठीक है जी क्लियर हो गया। आ रूल थले मैं लिखाया हुआ देख लो ध्यान, प्रेजेंट हो प्रेजेंट निशानियां भी दसियां, इज मिलेगा एम मिलेगा आर डोंट डज नॉट पहली फार्म हैज़ है मिलेगा उदो आप कैन नॉट लगा के आना, ठीक है जी। हाँ जी यहाँ ये पहली टाइप सी जी ह्यूमन बींग के नाल रिलेटड सी, हम चलते हैं अपन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नाल जे कोई सेंटेंस स्टार्ट हुंदा, ठीक है जी, जिमें मैं इतने एक लिख रहा सेंटेंस ध्यान दौ, दिस दिस एप्पल इज टू रूटन टू ईट, ठीक है जी। हाँ जी ये आंसर दो तरीक़े बनने ध्यान दो, सब तो पहला मैं गल की कर रहा है दिस एप्पल नाल सेंटेंस शुरू हो रहा है, किदे नाल हो रहा है दिस एप्पल, एप्पल है जोड़ा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के आता है, ठीक है जी, आंसर किवें बनेगा ध्यान दो,
हाँ जी, दिस एप्पल एज इट इज़ आएगा, इज भी उवें आएगा, इनू रिमूव करांगे तां जी सो आएगा, ते रूटन दा मतलब ना गलिया होया, वो एज इट इज़ आएगा। इनू हटावांगे जी, आएगा जी डैट, ठीक है जी डैट। हाँ जी, उस तो बाद दिस एप्पल दे अकॉर्डिंग आएगा जी इट, ते ठीक है जी, क्योंकि नॉन लिविंग है अकॉर्डिंग। इज दे अकॉर्डिंग आएगा कैन नॉट, की आएगा जी कैन नॉट, क्लियर हो गया। उस तो बाद एक गल ध्यान रखनी है, आपके को लगाना बी, आपके को लगाना है बी, तो जी आप वर्ब दी है फर्स्ट, इनू बनानी है तीसरा, तीसरी वर्ब बनानी बेटा इनू, तीसरी वर्ब इस तरीके दे नाले बनना है, ध्यान रख लेना है। जो भी नॉन लिविंग दे नाल कोई भी सेंटेंस शुरू हो, ठीक है जी, उन्होंने बनाने का तरीका देख लो। जे तो इतने बी पहला ही दिता हूँ ऑलरेडी, तो वो ईजी होना सीगा, ठीक है। ये एक होर देखते हैं, तुम्हें ज़्यादा क्लीयर होगा। अच्छा, इस आप एक होर तरीके बना सकते हैं, वो भी देख लो, वो कि होगा दिस एप्पल इज सो रूटन डैट, ठीक है, डैट आ गया। उस तो बाद इतने मैं जोड़ा लगाना है, आप वैसे तो दिस एप्पल के अकॉर्डिंग लगाना है, पर ये अलग टाइप का सेंटेंस है, इतने आई नाल भी बन सकता है। आई इस दे अकॉर्डिंग लगेगा कैन नॉट, ते वर्ब उवें पहली रखांगे, ईट एंड ते लगावांगे इट। जिहड़ा इट अपने कोल इत्थे लगना सीगा वो आपां कित्थे लै गए जी, लास्ट ते लै गए, ध्यान रख लो। ते इत्थे आई आई लिख सकदे हैं, ते वन भी लिख सकदे हैं, ये तुहाडी मर्जी है, आई लिख लो वन लिख लो, ठीक है जी। इस तरीके नाल भी ये सेंटेंस बन सकता है। हाँ जी, इसे दे विच आपां इक होर देखदे हैं जी। हाँ जी, दिता होया आपां नूं दा टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये चाय इन्नी गर्म है कि ये पीती नहीं जा सकती। ये आंसर देखो किमें बनेगा, हम देखो ये भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के स्टार्ट हो रहा है, तो दा उवें आ जाएगा, टी भी उवें आ जाएगा, इज भी उवें आ जाएगा। इनू रिमूव करा तो सो आ जाएगा, होट भी उवें आ जाएगा, इनू रिमूव करा तो डैट आ जाएगा, ठीक है जी। दो तरीके बनाते हैं हम अपने को, पहले तरीके दे विच इहदे अकॉर्डिंग की बनेगा, द टी दे अकॉर्डिंग लगेगा इट, तो इस दे अकॉर्डिंग की लगेगा कैन नॉट, दोनों आप खाली थावां भर लिया, ठीक है। फिर आप आपके को लगाना है जी बी, ते आ वर्ब करनी है तीसरी ड्रंक, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, इसे नूं ही आप एक होर निज़म दे नाल किवें बनेगा, द टी इज भी उवें आएगा, सो भी उवें आएगा, होट भी उवें आएगा, ते डैट भी उवें आएगा। खाली थां दे विच इत्थे जिहड़ा इट भरना सी आप लास्ट ते लैके जावांगे, इत्थे आप भर लांगे वन, ठीक है जी। तो इस दे अकॉर्डिंग भरांगे तां कैन नॉट आ जाएगा, तो ड्रिंक द ड्रिंक उवें एज इट इज़ आ जाएगा, तो लास्ट ते ला देंगे इट। हाँ जी, तुसीं देखना है भी किस तरीके दे नाल तुहानूं सौखा लगता है, उवें उह तुसीं बना के आउणा। हाँ जी, इस दे विच अगे आपां होर देखदे हां जी, आपां नूं इक सेंटेंस होर अपने कोल, वह है जी नीम, ठीक है, नीम जिहड़ी निम कह दिंदे आपां, इज टू बिटर फॉर मी टू ईट। हाँ जी, ये स्पैशल आपां नूं उन्होंने दिता ही होया, ठीक है जी, आपां इस टाइप के नाल बनावांगे, ठीक है जी। किवें बनेगा देखो ध्यान नाल, नीम एज इट इज़ आ जाएगा जी अपने कोल आंसर दे, सब तो पहला इज भी उवें आ जाएगा जी, इनू रिमूव करांगे, इहदी जगह ते आ जाएगा जी अपने कोल सो, बिटर भी उवें आ जाएगा जी अपने कोल, हाँ जी, इनू रिमूव करांगे तो अपने कोल आ जाएगा जी डैट, क्लियर हो गया। हाँ जी, फॉर मी तो, मी तो बन जाएगा आई, ये ध्यान दो आई, इस दे अकॉर्डिंग की भरांगे कैन नॉट, ईट उवें कैन नॉट ईट, जिहड़ा नीम दे लई जिहड़ा इट इत्थे यूज़ करना सी आपां, वो यूज़ करांगे लास्ट, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इत्थे मी की जगह पर मान लो हिम हुंदा, की हुंदा हिम, पर हिम तो की बनना सी ही, इत्थे ही लगना सी आंसर दे विच, क्लीयर हो गया। हाँ जी, होर देखते हैं आप एक दो सेंटेंस ज़्यादा क्लीयर हो जाएंगे। जिमें देखो अपने को दिता होया है द सूटकेस, द सूटकेस, ठीक है जी, वाज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। हाँ जी, फॉर हर ये दिता हुआ है। हाँ जी, आंसर देखो कि बनेगा, हम ये भी नरजीव चीज़ ध्यान दो, सूटकेस द सूटकेस वॉज द वॉज उवें आ जाएगा, इनू रिमूव करांगे तो आ जाएगा अपने कोल सो हैवी, हाँ जी, इनू रिमूव करांगे तो अपने कोल आ जाएगा जी डैट। डैट तो बाद दो खाली स्थान भरने हैं, पहली खाली स्थान दे विच आपां इहदे अकॉर्डिंग भरना है, हर तो की बन जाएगा जी शी बन जाएगा, ते आवाज़ दे अकॉर्डिंग की लावांगे जी आपां, ये पास्ट सेंटेंस हो गया, लगेगा कुड नॉट, ठीक है जी, कुड नॉट, क्लियर हो गया।
उस तो बाद अपन की दिता लिफ्ट, लिफ्ट उवें लिखांगे ते सूटकेस दे अकॉर्डिंग इट लगेगा एंड ते, एंड ते इट लगता इन्होंने वाकों के ध्यान रख लेना इस तरीके सेंटेंस है जी बनते हैं। ठीक है जी, हुण कुछ अपना एग्जाम्पल्स वो कर रहे हैं जी थी जी रेनबो ऑफ इंग्लिश के जोड़े एक्सरसाइज है वो अपन दी हुई है, उन्होंने एक्सरसाइजा के मैं कुछ सेंटेंस जोड़े वो कढ़े है। ठीक है, जोड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार जो पेपर सैट करने वाले होंगे वो एक्सरसाइज के पेपर पा देंगे। सिर्फ मात्र चार पाँच ही सेंटेंस है ये, पहला सेंटेंस अपन दिता हुआ इट इज़ नैवर टू लेट टू मैंड। ठीक है जी, यह आंसर देखते हैं कि बनूगा। हाँ जी, यदा आंसर बनूगा इट उवें लगेगा, इज भी उवें लगेगा, नैवर भी उवें लगेगा, इन हटावे तो लगेगा सो लेट। ठीक है जी, सो लेट इन हटावे तो यदि जगह लगेगा डैट। ठीक है जी, डैट तो बाद दो खाली स्थान ना आवगे। हाँ जी, ये नरजीत नाल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो आप दो टाइप्स के नाल बन जाएगा, आप इट का इट उवें लिखा, इज है तो कैन नॉट लग जाएगा जी। ठीक है जी, कैन नॉट, उस तो बाद भी आपके को लगावे तो तीसरी बार मैंडर लगावे। ठीक है जी, इस तरीके बनेगा यह, एक तो मैं पहला करा के गया। ठीक है जी, इतने ध्यान दो तुम दो टाइप्स के जिमें टी इज़ टू फॉर टू ड्रिंक, बिल्कुल सिमिलर इस टाइप का यह सेंटेंस है। हाँ जी, अगला जी एग्जाम्पल जी थोड़ा एक्सरसाइज मैं लिखी है, ये दसया गया शी इज टू पुअर टू ऑफर यू एनी हेल्प। ठीक है जी, ये किवें बनेगा आंसर? हाँ जी, शी दा शी उवें आ जाएगा, इज उवें आ जाएगा, इनू रिमूव करांगे आ जाएगा सो पुअर, इनू रिमूव करांगे तो आ जाएगा डैट, तो फिलिंग दी ब्लैंक्स भरांगे, शी है तो इतने शी दा शी आ जाएगा, इज है तो कैन नॉट आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों खाली स्थान भर ले आपां, इहदे अकॉर्डिंग भरने होंगे दोनों ब्लैंक्स, बाकी सारा आपां उवें वेख के लिखांगे। टू की जगह पर अपने कोल तीन शब्द भर चुके हैं, ऑफर उवें आ जाएगा, ऑफर यू एनी हेल्प, इस तरीके दे नाल ए जिहड़ा तुहाडा सेंटेंस बनेगा। हाँ जी, उस तो बाद अपने कोल एक होर है, हाँ जी द न्यूज़, हाँ जी ये भी नॉन लिविंग वाला आ गया, वाज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है जी, हाँ जी ये किवें बनेगा? द न्यूज़ उवें आ जाएगा, ठीक है, वाज भी उवें आ जाएगा, इनू हटावे तो सो आ जाएगा, गुड आ जाएगा, खाली इन हटावे डैट आ जाएगा, दो खाली थान भरा, द न्यूज़ के अकॉर्डिंग इट आ जाएगा, वाज के अकॉर्डिंग की आ जाएगा, गुड नॉट, गुड नॉट आ जाएगा। हाँ जी, उस तो बाद अपन बी ऑलरेडी दिता हुआ, बी लगावे तो ट्रू, बस जे बी गिवन हो। ठीक है जी, बी गिवन हो ईजी बन जाता, बी गिवन हो वह ईजी होंगे, आसानी के नाल आप सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, लास्ट एक होर है जी अपने कोल, फोर नंबर, शी वाज सोबिंग टू डीपली टू गिव एनी आंसर। हाँ जी, आंसर देखो किवें बनेगा, शी द शी एज इट इज उवें आ जाएगा, वाज भी उवें आ जाएगा, सोबिंग भी उवें आ जाएगा, इन हटावे तो सो आ जाएगा। ठीक है जी, डीपली भी उवें आ जाएगा, इनू हटावे तो डैट लगेगा, डैट तो बाद दो खाली स्थान, पहला इनू देख के शी है तो शी आ जाएगा, दूजी खाली तो वाज के अकॉर्डिंग कुड नोट आ जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद उवें गिव एनी आंसर, इस तरीके दे नाल जिहड़ा है ये एक नंबर का जिहड़ा काम है बड़ा ईजी तो सौखा है, मैनू लग गया लगता है तुहानू समझ आ गया होगा, तो इस वीडियो नू तुसी अपने यारां दोस्तां मित्रां नू शेयर कर दिओ, तां जो वध तों वध जिहड़ा ओह लाभ है इस चैनल तों उठा सकन। धन्यवाद।